और बात करेंगे हम सलमान खान की फिल्म टाइगर 3 उसको, और वर्ल्ड कप की भी बात करते हैं। वर्ल्ड कप अगर बात करें, वर्ल्ड कप के आसपास ही कहा जा रहा है कि सलमान खान की जो फिल्म है टाइगर 3 उसका ट्रेलर भी रिलीज किया जाएगा। और इसको लेकर जो मेकर्स है उनकी कुछ अपनी एक स्ट्रेटजी सामने आई है फिल्म को बहुत अच्छा सक्सेसफुल बनाने के लिए। उनके कुछ अपने प्लान वो सामने आए हैं। और अगर हम बताएं तो सलमान खान के जो बीते कुछ 6 साल से गर्दिश में वो चल रहे हैं, और 2017 में इनकी जो फिल्म आई थी टाइगर जिंदा है उसने बॉक्स ऑफिस पर बहुत अच्छा रिस्पॉन्स उसे मिला था। 210 करोड़ के बड़े बजट में बनी इस फिल्म ने 565 करोड़ रुपए से ज़्यादा कमाई की थी, और बॉक्स ऑफिस पे एक तरह से देखा जाए तो भूचाल ला दिया था। इसके बाद 2018 में रिलीज हुई थी सलमान खान की फिल्म रेस 3, उसने भी बॉक्स ऑफिस पे एवरेज ही परफॉर्म किया था। इसके बाद से ही लगातार सलमान खान बॉक्स ऑफिस पे बहुत ज़्यादा उनको मुखी खानी पड़ रही है। लेकिन अब अगर हम टाइगर 3 की बात करें तो हो सकता है इसके ज़रिए सलमान खान की जो किस्मत है वो पलटने वाली है। अगर टाइगर 3 की बात करें तो फैंस भी इसका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। और 10 तारीख को ये नवंबर के 10 तारीख को ये सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। सलमान खान की इस फिल्म को सुपरहिट होने की काफ़ी उम्मीदें हैं। इस तरह के फैंस भी कयास लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि शायद ये अब सलमान खान की अच्छी फिल्म हो। और अगर हम टाइगर की बात करें तो लगातार उनके जो सीक्वेंस बनाते आए हैं सलमान खान को इसका अच्छा रिस्पांस मिला है। अब इसको लेकर जो मेकर्स हैं उन्होंने अपनी तैयारियां तेज कर दी है। इनकी जो टाइगर 3 की जो टीम है इसको हिट कराने को लेकर अपना जो सुपर हिट फॉर्मूला है वो भी अब अपनाया है। टाइगर 3 ने अब भारत पाकिस्तान के बीच होने वाली जो मैच है वर्ल्ड कप के मुकाबले के को लेकर फिल्म हिट कराने का एक अपना खास फंडा अपनाया है। और 14 अक्टूबर को की बात करें तो मैच के दौरान जो इनका जो सुपर हिट फंडा है वो टाइगर 3 का प्रमोशन होगा। मैच के दौरान टाइगर 3 के प्रमोशन को तेजी से दिखाया जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो यशराज फिल्म के स्टार स्पोर्ट्स के साथ एक बड़ा टाई अप हुआ है, और इस के तहत विश्व कप के सबसे बड़े मुकाबले यानी कि भारत पाकिस्तान का मैच जिसे हर पूरी दुनिया इंतजार करती है बेसब्री से, भारत और पाकिस्तान की मैच की, इस दौरान फिल्म का जोरों से प्रमोशन किया जाएगा। रिपोर्ट्स की माने तो अब तक का बॉलीवुड और स्पोर्ट्स का ये सबसे बड़ा टाई अप होगा। और इस दौरान जो फिल्म के प्रमोशन है वो दिखाए जाएंगे। प्रमोशन के लिए स्टार स्पोर्ट्स पर आने वाले एक प्रोमो भी टाइगर 3 को लेकर शूट किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि इस प्रोमो को भारत पाकिस्तान के जो मुकाबले होंगे उसके दौरान साथ में इसको चलाया जाएगा, और इस प्रोमो को दूसरे मैच में भी इस्तेमाल किया जा रहा है। और ये एक सुपरहिट फंडा मेकर्स और टाइगर 3 की टीम ने अपनाया है। 14 अक्टूबर के मुकाबले की बात करें तो 2 दिन बाद टाइगर 3 का ट्रेलर रिलीज कर दिया जाएगा। फिल्म 10 नवंबर को यानी कि दिवाली के दिन रिलीज की जाएगी। इसके पहले 2017 में रिलीज हुई द टाइगर जिंदा है, और अगर हम टाइगर 2 की बात करें तो बॉक्स ऑफिस पे इसने बहुत अच्छा कलेक्शन किया था, काफ़ी धमाका किया था, और 550 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा की कमाई की थी। अगर हम साल 2012 की बात करें तो इसकी जो फ्रेंचाइजी है इसकी पहली एक था टाइगर वो रिलीज की गई थी, और ये बॉक्स ऑफिस पर ये भी सुपरहिट रही थी। 92 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने लगभग 310 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा वर्ल्ड वाइड का कमाई की थी। और 14 अक्टूबर की बात करें तो 14 अक्टूबर का इंतजार सभी को, पूरे अगर हम इंडिया की बात करें तो सभी को बेसब्री से है। और भारत पाकिस्तान के बीच मैच खेला जाना है। इस मैच में सलमान की जो फिल्म है टाइगर का प्रमोशन तेजी से और जोरों से किया जाने वाला है, ऐसी खबरें सामने आ रही है। और फिल्म को लेकर जो यशराज की फिल्म है और स्टार स्पोर्ट्स के बीच एक खास टाई अप हुआ है, और इस मुकाबले के दौरान आपको बीच बीच में जब आप ये मैच देख रहे होंगे तो जो ऐड आते हैं उसमें आपको टाइगर 3
थ्री का प्रोमो देखने को मिलेगा और ठीक दो दिन बाद इसका ट्रेलर रिलीज होगा और 10 नवंबर को टाइगर थ्री सिनेमा घरों में आएगी। अब देखते हैं कि टाइगर थ्री दर्शकों को कितना पसंद आती है, कैसा रिस्पांस मिलता है। अगर हम टाइगर जिंदा है और एक था टाइगर की बात कर ले तो जिस तरह से वो सक्सेसफुल हुई थी, सुपरहिट हुई थी, क्या टाइगर थ्री भी सक्सेसफुल होगी ये देखने वाली बात होगी। खैर, आप जाएंगे देखने टाइगर थ्री या नहीं ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। खैर, एंटरटेनमेंट के हॉट टॉपिक में इतना ही। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए खबरों का अड्डा हमारा यूट्यूब चैनल, और साथ ही इंस्टा और फेसबुक पर हमें फॉलो करना ना भूलिए। खबरों का ज़्यादा डोज चाहिए तो हमारे वेबसाइट खबरों के अड्डा को विजिट करना ना भूलिएगा। फिलहाल के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार।